डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की गई जान मामला अम्बेडकर नगर के जलालपुर थाना क्षेत्र से संबंधित है। बताया जाता है कि बीती रात्र संजय चौहान निवासी कंजा इस्माइलपुर थाना जलालपुर द्वारा अपनी गर्भवती पत्नी संजू चौहान को दिखाने के लिए नगपुर जलालपुर स्थित अयोध्या हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर राजेश द्वारा ऑपरेशन करने की सलाह दिया गया। परिवारी जनों के तैयार होने के बाद डॉक्टर द्वारा इलाज शुरू कर दिया गया। किन्हीं कारणों से महिला की मौत हो गई जबकि बच्चा सुरक्षित है। मौत की खबर सुनते ही गांव व रिश्तेदार इकट्ठा होकर जलालपुर से नवादा मार्ग पर जाम लगा दिया। आनन फानन में अस्पताल में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्याम देव, क्षेत्राधिकारी जलालपुर, थाना प्रभारी मालीपुर, थाना प्रभारी कटका पूरे दल बल के साथ पहुंचकर स्थिति नियंत्रण करने में जुट गए। परिवारी जनों का आरोप है कि डॉक्टर की गलत इंजेक्शन लगाने के कारण महिला की मौत हुई है। इस डॉक्टर का हॉस्पिटल सीज किया जाना चाहिए जबकि पुलिस प्रशासन के द्वारा आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, आसनाई के चक्कर में हुई हत्या। हत्या में शामिल दो नवयुवकों का भविष्य हुआ बर्बाद। मामला अम्बेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र के भराहा गांव से संबंधित है। बताया जाता है कि बीते 4 महीने पहले नीरज प्रजापत नाम के युवक को ताड़ी पिलाने के बहाने से बाग में बुलाकर दो युवकों शुभम पांडे व गुलफाम अहमद ने धारदार हथियार से मारकर घायल करते हुए गला घोंटकर हत्या कर दिया था। प्रजापत की लाश को बाग के किनारे स्थित नाले में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था जिसकी गुमशुदगी कोतवाली टांडा में मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज करवाया गया। उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने सीओ टांडा शुभम कुमार के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। टीम द्वारा अथक प्रयास करने पर जो मामला सामने आया उससे पूरा जिला हतप्रभ होकर रह गया। हुआ यह कि आरोपी शुभम व गुलफाम ने मृतक की लाश को जिस नाले में दफनाया था उसकी खुदवाई करवाया गया तो उसका नर कंकाल ही मिल पाया जिसको पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आरोपी युवकों ने जो बातें पुलिस को पूछताछ बताई उससे कई रिश्ते संसार हो गए। देखिए अम्बेडकर नगर से सर्विलांस खबर संवाददाता लालजी चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट। पूरा प्रकरण ये जनपद अम्बेडकर नगर में थाना टांडा अंतर्गत एक गुमशुदगी पंजीकृत हुई थी नीरज प्रजापति नाम के व्यक्ति की, जो ग्राम भराड थाना टांडा के रहने वाले हैं। इनकी गुमशुदगी ब्लाइंड रूप से थी और पुलिस को इस संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पा रहे थे। फिर अचानक पुलिस के तंत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी, तो सूचना पर काम करने पर इसमें दो अभियुक्तों की पहचान करते हुए उनको आज गिरफ्तार किया गया है। दो अभियुक्त हैं शुभम पांडे पुत्र महेंद्र पांडे, ये भी ग्राम भराड थाना टांडा के रहने वाले हैं, और गुलफाम पुत्र जयगम, ये दोनों मित्र थे। और शुभम को इस बात की पीड़ा थी कि नीरज प्रजापति जो इसके घर के बगल का ही रहने वाला था, इनकी माताजी के बारे में और इनके घर के बारे में अप्रतिष्ठित बातें या कुछ कहा करता था जिससे ये शुद्ध था। और इस पीड़ा के दृष्टिगत इसने 13 मई 2024 को नीरज को खेत में ताड़ी पीने के नाम पर बुलाया था। और जब पुलिस ने इससे गहनता से पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया गया है कि एक धारदार हथियार से पहले हमला करके और फिर गला दबा के ये और इसके मित्र गुलफाम ने नीरज की हत्या की। फिर उसी बाग के दबे हुए क्षेत्र में इन्होंने फरसे के माध्यम से उस बॉडी को मिट्टी के नीचे दबा दिया था और बारिश के सीजन में वहां पे पानी भर जाने के कारण इसका सुराग नहीं लग पा रहा था। इनकी इस सूचना पर पुलिस द्वारा एक विस्तृत कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। उस पानी से भरे हुए निचले स्थल पे जेसीबी और मैनुअली काफी परिश्रम करने के बाद एक बड़े एरिया में स्कैन करने के बाद खुदाई करने के बाद पुलिस को वहां से नरकंकाल प्राप्त हुआ है जिसका साइंटिफिक परीक्षण हेतु उसे भेजा जा रहा है। और इस पूरे मामले में हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 274/24 इन दोनों अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है। एक ऑडियो उसमें है, उसका क्या देखिए, इसमें शुभम के साथ जो इसका सहअभियुक्त गुलफाम है उसकी एक लड़की से जो शादीशुदा हैं और डिवोर्स हैं उससे बातचीत हुआ करती थी और उसी माध्यम से पुलिस के पास ये सूचना आई थी। और इस सूचना पर फिर गहनता से जांच करते हुए और बाकी सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करते हुए इस पूरे मामले का अनावरण किया गया। इसमें पुलिस द्वारा एक इस प्रकार का ब्लाइंड मर्डर जो संज्ञान में किसी भी स्तर पर नहीं आ रहा था उसका इस प्रकार का अनावरण सराहनीय है। इसके लिए SP पश्चिमी, CO टांडा,
और थाने और साथ में जो सारी की सारी साइंटिफिक टीम लगी थी बधाई के पात्र। थोड़ा दूर आ जाइए तो सटा दिए आशीष थोड़ा पीछे। हाँ,